नमस्कार, रानी किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की रेसिपी है प्याज का पराठा। प्याज का पराठा बनाने के लिए हमने 250 ग्राम आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है, और 4 प्याज है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, या आप बारीक काट लें। यहाँ पे मैंने देखी लिया है, अजवाइन है और मंगरेल है, धनिया का पत्ता है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, हरी मिर्च है इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, नमक अपने स्वाद के अनुसार लें, और यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो रिफाइंड यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आटा डाल रही हूँ एक बर्तन में। अब इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए घी है, इसको मैं डाल दे रही हूँ। 4 चम्मच मैंने घी लिया था। प्याज है इसको भी मैं डाल दे रही हूँ। इसमें देखिए ये मैंने लिया था अजवाइन और मंगरेल, धनिया का पत्ता है इसको भी मैं ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्च है और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका आटा तैयार करेंगे, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उसी तरह से। देखिए आटा हमारा गूंथ गया है अच्छे से। अब इसको 2-3 मिनट के लिए हम लोग ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो इसके बाद हम लोग पराठा बनाना शुरू करेंगे। 2-3 मिनट हो गया, देखिए आज आटा हमारा जो अच्छे से सेट हो गया है, अब इसकी हम लोग लोई तोड़ लेंगे और पराठा बनाना शुरू करेंगे। देखिए इसकी लोई हम लोग बना लेंगे, थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। देखिए हम लोग लोई तोड़ेंगे, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा मैंने लोई लिया है, बड़े आलू के साइज का, और पतला बेलेंगे हम लोग इतना बड़ा ही, एक बराबर मैं लोई काट ले रही हूँ। देखिए 250 ग्राम आटा मैंने लिया था, उसमें 10 लोई हमारी बनी है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं, इसको बेल लेते हैं। देखिए सूखा आटा मैंने लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा इसको इसमें लगा देंगे और इसके बाद हम इसको बेलेंगे पतला। देखिए मैंने बेल दिया है, इतना ही पतला चाहिए, देखिए इतना पतला चाहिए। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है, इस पर तवा देखिए चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। चलिए तवा हमारा गर्म हो गया है, तो मैं इस पर पराठा डाल दे रही हूँ और इसको धीमी आंच पर हम लोग सिकने देंगे। देखिए अच्छे से हमारा सिक गया है, इधर हम लोग दूसरी साइड सेकेंगे। चलिए अब हम लोग इसमें घी लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पराठा हमारा सीख रहा है, ये बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी है और बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो इस तरह से पराठा घर पर बनाएं। और दोनों तरफ से देखिए अच्छा क्रिस्पी हो गया है, तो अब हम इसको उतार लेंगे और बाकी सारे पराठे जो है इसी तरह से सेक ले। देखिए पराठा हमारा ये भी तैयार हो गया, इसको भी निकाल दे रही हूँ। गर्मा गर्म हमारा पराठा देखिए तैयार हो गया है, इसको चटनी के साथ या कुच्चा के साथ खाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि प्याज अगर आप बारीक काट रहे हों तो बिल्कुल बारीक काटें, नहीं तो हो सके तो इसे कद्दूकस ही करें। तो उस तरह से हमारी जो पराठा है तो प्याज का तो अच्छा बनेगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।